हेलो एवरीवन, आई एम आशा जोशी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का थर्ड चैप्टर, बस की यात्रा। इसमें लेखक ने एक ऐसे बस का वर्णन किया है जो बहुत ही जीर्ण शीर्ण हालत में है, जिसमें यात्रा करना बहुत ही मुश्किल है। तो आइए देखते हैं। हम पांच मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। तो हम पांच, एक लेखक हैं और चार मित्र हैं, तो हमने तय किया कि हमने डिसाइड किया कि हम शाम को 4 बजे की बस से चलेंगे। तो पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। तो पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए 1 घंटे बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे, कह रहे कि सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से दो को सुबह काम पर हाजिर होना है, मतलब काम पर जाना है, उपस्थित होना है काम पर, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। इसलिए वापस जाने के लिए ये रास्ता अपनाना आवश्यक था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। जो लोग थे जिनको इसकी जानकारी थी, तो उन्होंने इनको सुझाव दिया कि जो समझदार लोग होते हैं, वो आदमी होते हैं जो शाम वाली बस से वो कभी सफर, मतलब यात्रा, जो कभी सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं, उन्होंने पूछा, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है, जो बस है वो डाकिन है। तो बस के बारे में उन्होंने बताया कि रात का सफर अच्छा नहीं है और जो बस है वो क्या है, डाकिन है। वो बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। जो बस को, बस की जो हालत आप देख रहे हैं, बस की हालत जो बहुत ही टूटी फूटी है और उसके टायर इधर उधर हैं, सब हालत मतलब उसकी बहुत ही खराब है। तो बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध, सदियों से अनुभव के निशान लिए हुई थी। बस को देखा तो एक आदर का भाव जैसा मन में आया, और वो इतनी वयोवृद्ध थी, मतलब बूढ़ी या पुरानी, बहुत ही ज्यादा पुरानी थी, बहुत बूढ़ी हो गई थी, मतलब उतनी पुरानी थी। सदियों से अनुभव के निशान थे, ऐसा लगता था कि कितने उसने अनुभव लिए हैं, और लोग इसीलिए इससे सफर नहीं करना चाहते थे। इतनी अनुभवी थी और वयोवृद्ध भी थी, पुरानी भी थी, तो इसीलिए इसे लोग यात्रा करना पसंद नहीं करते थे, इसे यात्रा करना ही नहीं चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा, ये इस बुढ़ापे में इसको इतना कष्ट नहीं देते, इतने लोग बैठेंगे तो इसे कष्ट होगा। यह बस तो पूजा के योग्य है, इस बस की तो पूजा होनी चाहिए। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है कि वो बस इतनी जबरदस्त है कि उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। हिस्सेदार मतलब होता है साझेदार। तो बस कंपनी के एक जो साझेदार थे वो भी इसी बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? जो साझेदार थे बस के, हमने उनसे पूछा कि क्या यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? अपने आप ही चलेगी क्या, कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है, और ऐसी वयोवृद्ध, ऐसी अवस्था में ये बस अपने आप चलती है, ये तो बड़ी अजीब बात है। हम आगा पीछा करने लगे, हम एक दूसरे को आगे और पीछे देखने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवीली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। जो आजकल नए नए बस हैं उनसे ज्यादा भरोसेमंद बस है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर जाएगी, हमें अपने बच्चों की तरह, अपने बेटे की तरह प्यार से अपने गोद में बैठा कर ले जाएगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे हमें बस में, वे इस तरह देख रहे थे जैसे हमें अंतिम विदा दे रहे हैं, क्योंकि बस की जो हालत थी वो बहुत खराब थी, तो बस में छोड़ने पर ही उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे हमें वो अंतिम विदाई दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। जो राजा है, जो गरीब है, जो फकीर है, आदमी को कूच करने के लिए एक दिन निमित्त चाहिए, कूच मतलब यहाँ से जाने के लिए एक निमित्त, मतलब एक कारण तो चाहिए ही, तो तुम्हारी बस ही ऐसी है। तो हम पहले ही, उनकी आंखें, ये सारी बातें जो उनको बस में छोड़ने के लिए आए थे, ये सब कहने लगे, एक दिन तो जाना सबको ही है, चाहे वो राजा हो, रंक हो, भिखारी हो, सबको एक दिन जाना है,
और इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। इंजन सचमुच गाड़ी का जो इंजन था वो सचमुच स्टार्ट हो गया, जैसे सारी बस ही इंजन है, जैसा लग रहा था जैसे सारी बस इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। हम बस के भीतर नहीं बल्कि इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, बस में कांच जो थे बहुत ही कम बचे थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था और जो कांच बचे भी थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए और इंजन चल रहा था। हम खिड़की से बहुत दूर सरक गए मतलब खिसक गए, हम खिड़की से भी बहुत दूर खिसक गए और इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। हम ऐसा सोच रहे थे कि हमारी सीट के ही नीचे बिल्कुल इंजन लगा हुआ है। तो हम बस की हालत को देखकर एक दूसरे को देखने लगे और यही सोचने लगे कि इंजन आखिर है कहाँ पर, ये बस के नीचे है या फिर सीट के नीचे है, कहाँ पर है ये समझ में नहीं आ रहा था। और बस में बैठे हैं या इंजन में बैठे हैं ये भी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। तो बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। तो हम ये सोचने लग गए कि वास्तव में यह बस जो है, जब गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन चला था और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो 1921 में चला था, तो उस वक्त ये बस जो है अवश्य ही जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, मतलब संयोग नहीं कर रहा था, असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी क्योंकि बहुत पुरानी थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, सीट जो थी वो पूरी बस जो उसकी बॉडी है उसमें संयोग नहीं दे रही थी। कभी लगता सीट बॉडी के को छोड़कर आगे निकल गई है और कभी लगता था सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। जब हम 8-10 मील हमने जब सफर किया, उसमें यात्रा की, तो सारे रहस्य मिट गए, हमारे सारे रहस्य मिट गए। और यह समझ नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। हम ये लग रहा था कि सीट पर हम बैठे हैं या हम पर सीट बैठी है। एकाएक अचानक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। अचानक बस रुक गई और पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। ड्राइवर ने बाल्टी में निकाला पेट्रोल और उसे अपने पास में, बगल में मतलब पास में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी का जो हिस्सेदार था, जो साझेदार था, वो इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। बस की जो रफ्तार थी, जो गति, जो चाल थी उसकी, अब कितनी हो गई थी, 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था, मुझे उसके बस के किसी भी हिस्से पर मुझे विश्वास नहीं था। ब्रेक फेल हो चुका था, जो ब्रेक था वो फेल हो चुका था और स्टीयरिंग टूट सकता था, उसका स्टीयरिंग भी टूट सकता था। ले प्रकृति के दृश्य बहुत ही लुभावने थे और जो प्रकृति के जो दृश्य थे वो बहुत लुभावने, मतलब जो मन को भाने वाले थे, क्योंकि बस पर कांच ही नहीं, जो शीशी थे वो कुछ थे, कुछ ही बचे थे, तो इसलिए दृश्य ज्यादा दिख रहे थे, वो बहुत लुभावने थे। और दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, मैं हर पेड़ को अपना, लेखक कह रहे हैं कि मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन शत्रु समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता, एक पेड़ निकल जाता तो वह दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। झील अगर नजर आ गई कहीं पर तो मैं, लेखक सोचता कि बस अब बस जो है हमारी इसमें गोता लगाएगी, मतलब तैरने को हो जाएगी हमारी बस। एकाएक अचानक फिर बस रुक गई। अचानक से फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, जो ड्राइवर थी उन्होंने अलग अलग तरह के उपाय किए कि वह चली नहीं, बस चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के जो हिस्सेदार कह रहे थे, जो कंपनी के जो साझेदार थे, वो कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी। उस इतना होने के बाद भी वो कह रहे थे कि बस फर्स्ट क्लास है, यह तो इत्तफाक की बात है, तो संयोग की बात है कि बार बार खराब हो जा रही है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। चांदनी, उसकी लाइट भी बुझ चुकी थी, तो चांद वृक्षों की छाया के नीचे और चांदनी
चांद के उजाले में वह बस की जो स्थिति थी वो दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थककर बैठ गई हो। अब वो बस की हालत को देखकर ऐसे लगता था जैसे कोई वृद्धा थककर बैठ गई हो और हमें ग्लानि हो रही थी। हम मन में बता रहे थे कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया, अगर इसके प्राणों का अंत हो गया, मतलब मर गई, तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। बियाबान होता है जंगल, सुनसान जंगल, जहां पर सुनसान होता है। मैं हमें इसकी अंत्येष्टि मतलब इसके लास्ट जो क्रियाक्रम होते हैं इस बस के, वो हमें यहीं पर करने पड़ेंगे। तो इस बात से वो सब दुखी थे। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा उसे। हिस्सेदार जो साझेदार साहब थे उन्होंने इंजन फिर से खोला और उसे फिर कुछ सुधार किया उसमें। बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई, बस की चाल और भी कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, मतलब लाइट बंद होने लग गई, उसकी ज्योति जाने लग गई। चांदनी में रास्ता टटोल कर, मतलब ढूंढ कर, जो चांदनी थी, चांदनी रात में जो रास्ता था उसे ढूंढ ढूंढ कर वह रेंग रही थी। चल नहीं रही थी बल्कि रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो उम्र, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही कि मैं तुमसे आगे निकल पाऊं, तो बेटी आप आगे निकल जाओ। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि टायर फिस करके बैठ गया। फिस से एक प्रकार की हवा निकलने की एक ध्वनि होती है, फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई, जो बस थी वो बहुत जोर से हिलकर थम गई, मतलब रुक गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार बड़े श्रद्धा भाव से देखा, बड़े मतलब उसकी बड़े सम्मान से उसकी तरफ देखा। वह टायरों की हालत जानते थे, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफर कर रहे थे। जो बस के जो साझेदार थे वो तो उसकी हालत अच्छे से जानते थे, लेकिन उसके बाद भी वह जान हथेली पर लेके इस पर सफर, इस पर यात्रा कर रहे थे। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग मतलब होता है बलिदान। बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ, मतलब कम ही देखने को मिलती है, जो उन्होंने त्याग किया था। ये सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। जो ये बस का जो साझेदार है, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का क्रांतिकारी आंदोलन में होना था। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। जो देवता थे वो बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला, दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चल पड़ी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी। कहां हमने वहां उपस्थित होना था, अपनी नौकरी पर, लेकिन अब हमने सारी उम्मीद तोड़ दी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी हमने, कल ही क्या, हमने कभी भी पन्ना पहुंचने की जो आशा थी हमें वो हमने छोड़ दी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद हमने छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण, मतलब प्रयाण मतलब त्यागना, अपनी आत्मा त्याग देना, प्रयाण कर जाना है, मतलब उस लोक को चले जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है, उस बस की इस पृथ्वी पर वो कहाँ पहुंचाएगी, कब पहुंचाएगी, कोई मंजिल नजर नहीं आती। हमारी बेताबी और हमारी बेचैनी, हमारी जो हमारा जो तनाव था, जो टेंशन था, वो खत्म हो गया। हम ये सब चीज भूल गए कि कब पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए, बड़े शांति से, जैसे घर बैठे हैं हम, इस तरह से बैठ गए। चिंता जाती रही और हंसी मजाक चालू हो गया, और चिंता भी हमने छोड़ दी थी और हंसी मजाक चालू हो गया था। तो ये एक हास्य व्यंग शैली में लिखा गया निबंध शैली है। हरिशंकर परचाई जी ने इसमें एक बस की हालत के बारे में जिक्र किया है कि किस तरह से वो बस थी और कैसी थी, उस क्या उसने किया। तो इसकी जो क्वेश्चन आंसर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।